हेलो एवरीवन, और आज का जो टॉपिक है वो है हिप पेन, यानी ग्लूटियल पेन, यानी बटक्स पेन, यानी कूल्हों में दर्द। ये जो बटक्स पेन है वो बहुत सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि अर्थराइटिस, टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस, या मसल्स जो है आसपास की उस जॉइंट के, हिप जॉइंट के आसपास जो मसल्स हैं वो सूज जाती है, वो टाइट भी हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस की वजह से ग्लूटियल पेन आता है, हिप में पेन आता है, आपको चलने में दिक्कत होती है और आपको आपके और भी बैठने के काम में इन सब में दिक्कत आती है। तो फिजियोथेरेपी का इस कंडीशन में बहुत अच्छा रोल है। अगर आप ये जो बताई जाने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज से। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एज यूजुअल कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपके हिप पेन में इम्प्रूवमेंट जल्दी लाने में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से सुपाइन पोजिशन यानी लेट जाना है और जो है अपना जो एक पैर है उसको आपको छाती की तरफ खींचना है, पर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, यानी मेरे ये जो पैर है वो इस कंधे को मुझे टच करने की कोशिश करनी है, इस तरह से ले जाना है। तो एज यूजुअल आपको हाथ जो है यहाँ नीचे रखना है घुटने के और इस तरह से इसको ऑपोजिट वाले कंधे की तरफ जितना हो सके उतना खींचिए और उसको होल्ड करिए 20 सेकेंड्स के लिए और फिर उसको रिलीज करिए। ये मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप उसमें तो करिए कहीं और आप दूसरे अनअफेक्टेड पैर में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपना पैर 90 डिग्री पे ले लेना है और ऑपोजिट कंधे की तरफ इसको ले जाना है। इस एक्सरसाइज की वजह से भी आपका जो हिप है वो इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो स्ट्रेच होगा, तो जो आसपास की जो मसल्स हैं वो खुलेंगी, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट वहां पेन और सूजन कम होगी। बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह से सिटिंग पोजीशन ले लेनी है और आपको एक जो पैर, सपोज मेरा राइट जो लेग है, जो राइट हिप जॉइंट है वो अफेक्टेड है, प्रॉब्लम है, मुझे उसको इस तरह से दूसरे पैर के ऊपर रख देना है नी पे और आपको नीचे इस तरह से बैंड होना है। तो देखिए जब आप बैंड होंगे तो आपको यहाँ जो हिप जॉइंट है और यहाँ की जो मसल्स है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आप ये दूसरे लेग में भी करिएगा। इस पोजीशन को आपको लगभग 20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और ये आप 3 सेट्स इसके एक बार तो जरूर करिएगा। तो अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह से खड़े हो जाना है, मैं साइड व्यू में आपको दिखाती हूँ, और आपको ये मेरा जो पैर है वो अफेक्टेड पैर है तो मुझे जो है थोड़ा सा टिल्ट होना है इस तरफ ऑपोजिट साइड में, यानी ये इस तरफ मुझे थोड़ा सा टिल्ट हो जाना है ताकि मेरा पैर जो है वो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाए और फिर आपको आगे पीछे करना रहेगा। फिर साइड में और अंदर की तरफ, साइड में अंदर की तरफ आपको इस तरफ से पेंडुलम मूवमेंट इसके करने हैं, फिर सर्कमडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज के लिए हमको एक इस तरह से पिलो की जरूरत पड़ेगी और सपोज मेरा ये वाला जो पैर है वो अफेक्टेड जो लिम्ब है उसको मुझे इस तरह से पिलो पे रखना है और जो अनअफेक्टेड पैर है उसको इस तरह से मुझे 90 डिग्री पे रखना रहेगा और मुझे जो पोजिशन लेनी है वो इस तरह से लेनी है और फिर मुझे इस तरह से स्ट्रेच करना है, आगे जाके बैंड होना है इस पे। तो ये जो है ना हिप फ्लेक्सर्स हैं, आगे हिप मसल्स हैं वो भी टाइट हो जाती हैं तो हमें उसमें हिप में पेन होता है। तो इस तरह से करने से जितना आप सहन कर सके लगभग आपको 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर आपको बैक आ जाना है। मैं वापस आपको दिखाती हूँ, आपको इस तरह से रहना है और आगे आपको बैंड हो जाना है इस तरह से,
आपको यहाँ खिंचाव महसूस होगा। ये जनरली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन लोगों को सिटिंग जॉब जो प्रोलॉन्ग सिटिंग जो करते हैं उनको बहुत अच्छा रहेगा इस एक्सरसाइज से। एंड देन रिलीज। चलिए अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो टिप नंबर वन ये है कि जो जेंट्स हैं वो अपना जो वॉलेट है वो आपको बैक पॉकेट में जो हिप रीजन के पास में होती है वहाँ नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है आप जब बैठते हैं तो वो जो वॉलेट है वो आपके हिप जॉइंट पे प्रेशर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी सोर हो जाती हैं। टिप नंबर टू ये है कि आप जब रात को सोएं तो अपने हिप जॉइंट पे कोई अच्छा सा मलहम जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लगाएं, और उसके 10 मिनट्स के बाद आप हीट पैक लें, इलेक्ट्रिकल या जो भी हॉट वाटर आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप हीट ले 10 मिनट्स के लिए, और फिर आप सोने जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करेगा पेन में, तो आपको नाइट में पेन की कंप्लेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए जिन लोगों से प्रॉब्लम हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।